ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स का। आई होप चैप्टर नंबर 1 आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप उसकी वीडियोस को एक दो बार और देखें, ठीक है, और उसके साथ में जो क्वेश्चन है उसमें उसको ट्राई करें। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है होल नंबर्स। अभी तक हमने सीखा था नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, अब है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक जीरो का फर्क है। ओके, सिर्फ एक जीरो है एक्स्ट्रा। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले लाइन देखते हैं। एज वी नो 1 2 3 4, वेन वी बिगेन टू काउंट, हमें काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट करनी होती है ना, तो इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और होल नंबर क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद हमें जो मेन चीज़ है इसमें जो सीखना है, देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी जो नई होगी आपके लिए, जो आपने पहली बार सुनी होंगी, तो एक बार इनको ध्यान से पढ़ें जरूर, ठीक है। अब इसके अंदर दो वर्ड हैं आपके सामने, देखिए, एक तो है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ये जो है इसका मतलब होता है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्रीडिसेसर का, इसका मतलब होता है उससे पहले वाला, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि आपका रोल नंबर 17 है, तो आपसे पहले किसका रोल नंबर है, और सक्सेसर होता है बाद वाला, तो 17 के बाद कौन है, बिल्कुल 18 है। तो प्रीडिसेसर में 1 माइनस करना है और सक्सेसर में 1 ऐड करना है, ठीक है, इज दिस ओके। तो अब देखो इसके अंदर जो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर टू गेट नेक्स्ट नंबर। अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें सक्सेसर मिलेगा, और उसी तरह से अगर 1 माइनस कर देंगे तो प्रेडिसेसर मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसका कि 16 का सक्सेसर क्या होगा, 1 ऐड कर दो, 19 का, 20 नेक्स्ट नंबर, उससे उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर, और पिछले वाले नंबर को प्रीडिसेसर, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखो एक बार, क्या आप इनका एक पीछे वाला नंबर और आगे वाला नंबर लिख सकते हो। आगे वाले नंबर के लिए 1 ऐड करना है और पीछे वाले नंबर के लिए 1 माइनस करना है, इज दिस ओके, ठीक है। आपको बताने की क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते थे, 1 से स्टार्ट होते थे, तो 1 से पहले नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, 0, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 है होल नंबर में, तो इसलिए हम इसका आंसर 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या कोई ऐसा है जिसका कोई सक्सेसर ना हो, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें जहाँ तक काउंटिंग आती है आपके साथ वाले को उससे ज़्यादा आती है, ठीक है, और आपको अपने साथ वाले से ज़्यादा वो आती है काउंटिंग, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। जितनी काउंटिंग आपको आती है आपको उससे ज़्यादा आती है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से एक आ ज़्यादा भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ओके। तो ये इसका वो है थ्योरी, एक बार आप इसको देख लीजिए, आगे बढ़े चलिए। हाँ, उसके बाद है होल नंबर की डेफिनेशन, यहाँ पर है, तो हमने अभी तक देखा कि ये देखो ये लिखा हुआ, 0 है, 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर, तो वी एड 0, तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के अंदर हमने एक 0 टर्म को और ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गए होल नंबर। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते रहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी ब्लू बॉक्स में डेफिनेशन है, ये वाला जो ब्लू बॉक्स है ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ए नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, एक ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी आता है, उसको आप क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो सीख ही चुके हैं हम, ठीक है। अब इसमें देखिए, ट्राई दिस, ऑल आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आंसर है यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो जो नंबर नेचुरल में आएंगे वो होल में भी तो आएंगे, ठीक है। सेकेंड, आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज द, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें क्या पता सबसे बड़ा नंबर कौन है, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इज दिस ओके, ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन को आप इजी लैंग्वेज में समझिए अपने स्केल की तरह, ठीक है, योर स्केल इज ए नंबर लाइन, जिसके बीच में रीडिंग नहीं है, जिसमें आपने जो आपने स्केल देखा है उसमें क्या होता है, 1 से लेके 2 के बीच में
देर आर 9 to 10, देर आर 9 डिविजन्स, ठीक है ना। उसी तरह से 2 से 3 के बीच में भी डिवीज़न होते हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसा है जिसमें 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 के बीच में डिवीज़न ना हो। तो इसका मतलब ये हमारे पास, ये देखिए स्केल है, इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। ओके, हमें लेफ्ट से राइट चलना है नंबर लाइन बनाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार ये रूल की तरह ही है, आप इसको याद रखें, क्योंकि हमें ये है कि राइट वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम इंटीजर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इंटीजर की स्टडी करेंगे ना, उस टाइम अपने पास आएगा, इनके बारे में भी आएगा। ओके ठीक है, तो इस तरह से हमें काम करना है। ओके ठीक है, तो ये नंबर लाइन पता लगा, ठीक है। अगर आपको मैं कहता हूँ कि नंबर लाइन पे 7 लिखो, तो आप क्या करोगे? स्केल से एक लाइन बनाओगे और 1 1 सेंटीमीटर के मार्क करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या होगा? 0, उससे अगले वाला होगा 1, उससे अगला होगा 2। इस तरह से ये है हमारे पास स्केल, तो हमें 7 मार्क करना था ना, तो 0 1 2 3, ये 7 है। हम इसको डॉट करके डॉट के ऊपर सर्कल लगा देंगे ताकि हमें दिखाई दे, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ डॉट लगा देते हैं, डॉट लाइट रह जाती है तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कि डॉट लगा भी रखी है या नहीं लगा रखी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, आप क्या बता सकते हो कि नंबर लाइन में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? बिल्कुल बता सकते हैं। जो चीज़ जितना ज़्यादा राइट में होगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, और जो चीज़ जितना ज़्यादा लेफ्ट में होगी उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास ये जैसे नंबर लाइन है, मैं आपको कहता हूँ कि 2 और 4 में से कौन बड़ा है, तो 2 इतना राइट में है, 4 उतना राइट में है, तो 4 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता ही है, हम दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, इट्स ओके। तो अब ये देखो, आपके साइड में जो बुक आपके साथ में स्क्रीन पे खुली हुई है एनसीईआरटी की, यहाँ पे स्केल बना हुआ है, ये स्केल, ठीक है, दिखा सबको। तो हम नंबर लाइन को भी इसी तरह से बना सकते हैं स्केल के रूप में ही, लेकिन आपको इसको ऐसे बनाना है जैसे बनी हुई है, इस तरह से, इस तरह से आपको इसको बनाना है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बीच में डिवीज़न है, ये डिवीज़न दिख रहे हैं सभी को, हाँ, स्केल आपने यूज़ किया है लाइन खींचने के लिए, ठीक है ना, ये सब के सब डिवीज़न ही है। तो हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो बीच में डिवीज़न नहीं बनाते हम, डिवीज़न नंबर लाइन में डिवीज़न कब बनाएंगे? जब हम हायर स्टडीज़ करेंगे नेचुरल नंबर के। ओके ठीक है, तो ये आपका नंबर लाइन के बारे में था। तो ट्राई दिस, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, ये सारे के सारे बच्चों को कन्फ्यूज करने की चीज़ें ही हैं, तो आप इसमें नॉर्मल चीज़ें ही यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ इसमें 3 और 4 को 7 ऐड करो, आप प्रूव करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 पे गए, और उसके बाद 3 में 4 ऐड करना था ना, तो 3 के बाद 1 2 3 और 4, इस तरह से हम 4 ऐड करेंगे। तो हम कौन से पॉइंट पे पहुँच गए? 7 पे पहुँच गए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 3 + 4 = 7 होता है। उसी तरह से अगर माइनस करना हो, तो इसने कहा है 7 में से 5 माइनस करो, क्वेश्चन दिखाइए, ये रहा, ये 7 - 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पहले तो हम इसको लाइन पे लिखेंगे, ये 7 हो गया, फिर 5 माइनस करना है, नहीं लेफ्ट में जाना है, तो 5 लेफ्ट में जाओ, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 2 बच गया। इस तरह से हम नंबर लाइन से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको ये चीज़ पता हो ताकि कोई पूछे तो आप उसको जवाब दे सको, ठीक है। अदरवाइज हमें इसकी मैथमेटिक्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इट इज़ ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भी इसी तरह से करेंगे। इसने कहा है 4 × 3 या 3 × 4, तो हम 4 × 3 लेते हैं। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, यानी कि 4 + 4 + 4, ठीक है। मल्टीप्लाई इज रिपीटेड एडिशन, ये आपको पता है, ठीक है। मैं कहता हूँ 7 × 4, तो इसका मतलब क्या है, 7 को 4 टाइम ऐड करना है, ठीक है। तो 4 × 3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक बार हो गया, 3 बार करना था ना, फिर 1 2 3 4, ये 2 बार हो गया, फिर 1 2 3 4, 12 पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने जैसे किया, उन्होंने 3 × 4 किया है, बात एक ही है, पहले आप 3 चलो, 1 2 3, कितनी बार चलना है सर? 4 बार चलना है, इज दिस ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1, ये आपको ट्राई करनी है। पहले इसको रफ नोटबुक में ट्राई कीजिए, उसके बाद अपनी पेयर नोटबुक में ट्राई करना, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने एक बार खोल रखी है एक्सरसाइज, एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके,
ठीक है, 1 to 8 और ये क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स वाला है। अच्छा ट्रू फॉल्स जो आप नोटबुक में करेंगे उसके अंदर स्टेटमेंट पूरी लिखना ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमने क्वेश्चन कौन सा किया था। ओके हाँ इतने ही क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज 8, ये 2.1 के 8 क्वेश्चन है, कर लोगे यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक आज का आपका आज का काम है, हो जाएगा? ठीक है, तो अभी हमारे पास क्योंकि देखो टाइम है, हमने अभी 10 ही मिनट्स हुए हैं हमें करते हुए, तो आप इसको बीच में आप पॉज करके इस रीडिंग लेंगे तो आपको इसमें 20 से 25 मिनट्स बिल्कुल लगेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको उसके अंदर भी 15 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो 10 मिनट्स है आपके वहाँ पे लगभग 45 से 50 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को इसी में आगे करवा रहा हूँ, लेकिन आप एक ही दिन में जल्दी मत करना कि सारा का सारा आज ही कर लेते हैं, टेक योर टाइम। ओके आगे चले, ठीक है जी। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर की जैसे प्रॉपर्टीज देखी थी ना, वैसे के वैसे होल नंबर में भी आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब आएगा इसमें धीरे धीरे, देखते हैं। ठीक है, ये टेबल है, उससे पहले आप इसको देखो, 7 + 8 इज 15, 15 एक होल नंबर है, 5 + 5 10, 10 भी एक होल नंबर है, क्या 10 नेचुरल नंबर भी है? आंसर है बिल्कुल है। ठीक है, क्या 15 भी नेचुरल नंबर है? तो क्या आप यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिन दोनों को ऐड करें वो होल नंबर ही आ जाए? तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें जो ध्यान रखना है वो देखो ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर आप दो होल नंबर को ऐड करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा, और दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दो होल नंबर को आप माइनस करोगे तो होल नंबर हो सकता है मिले या ना भी मिले। ठीक है, और दो को डिवाइड करोगे तो भी, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपकी ये टेबल है, इसमें देखो 6 - 2 है 4 के इक्वल, 4 होल नंबर है, लेकिन 7 - 8, क्या हम 7 में से 8 माइनस कर सकते हैं? तो आंसर है अभी तो नहीं कर सकते, बड़ी क्लासेस में कर पाएंगे। ठीक है, तो 8 - 7 आप कर सकते हो, 7 - 8 नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये होल नंबर नहीं है। उसी तरह 5 - 4 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बड़े में छोटा माइनस आता है हमें, लेकिन छोटे में से बड़ा माइनस करना नहीं आता, तो जहाँ पे छोटे में से बड़ा माइनस हो जाए तो वो होल नंबर तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, उसी तरह से डिवाइड वाले हैं, 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो होल नंबर है, और पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो होल नंबर नहीं है। क्या 5 को 7 से डिवाइड कर सकते हो? पॉइंट्स में आंसर आएगा अगर आप करोगे तो वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए, डिवीजन बाय ए नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटली। तो ये है आपके, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई इज रिपीटिंग एडिशन, एड को हम, जैसे मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई थे, इसका मतलब क्या है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4 को 3 बार ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि 18 / 3, तो इसका मतलब 18 में से 3 को माइनस करते जाओ बार 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 बार, कितनी बार माइनस करने पर 0 आएगा, तो ही आपका क्वोशेंट होता है। ठीक है, तो इसको देखो एक बार टेबल को ध्यान से। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो ये जो है ये ऊपर वाला लाइन, डिवीजन बाय 0, हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, मैथमेटिक्स के अंदर आज तक भी पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना मैथ इसमें 0 से। ठीक है, आप इसमें अभी 6th में है, फिर 7th 8th 12th में जाएंगे, फिर आगे कॉलेज लाइफ में भी होगा, तो तब तक के मैथ्स में भी 0 से डिवाइड नहीं है। तो आई होप कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 0 से डिवाइड का कुछ ना कुछ रूल निकालेंगे, तो यही मैथ्स है, नई नई थियोरीज के बारे में। ठीक है, इज दिस ओके? तो ये रहा, ये इस पॉइंट को एक बार आप नोट कर लीजिए, द डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एंड डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर बाय 0 ऑल्सो नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होल नंबर ही होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 2 + 3 और 3 + 2 एक ही बात है। ठीक है, 2 + 3, 3 + 2 एक ही बात है, 7 + 5 12, 5 + 7 12, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे करके कैसे जोड़ दो आंसर सेम आएगा, यही चीज़ मल्टीप्लाई में भी होती है, 3 मल्टीप्लाई 4 करो या 4 मल्टीप्लाई 3 करो आंसर सेम आएगा।
ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। 5 माइनस 4 और 4 माइनस 5 दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसी तरह से 5 बाई 4 एंड 4 बाई 5 आर ऑल्सो टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो ये रहा मल्टीप्लाई, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन्होंने ये इसका एक एग्जांपल लेके ही किया हुआ है, ठीक है। आप इस एग्जांपल को पढ़िए एक बार आराम से। ओके हाँ, उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि मैंने आपको बता दिया वैसे, वेरीफाई के जो दो पॉइंट है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता और डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो, ठीक है। एसोसिएटिव होता है इस तरह से कि पहले दो ब्रैकेट में और बाद वाला अकेला, या फिर आखिरी के दो ब्रैकेट में और पहले वाला अकेला, और आंसर सेम ही आता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी। एसोसिएटिव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट कहाँ लगी है, अगर हर तरफ प्लस है या हर तरफ मल्टीप्लाई है तो आंसर सेम ही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन और उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, देखो। अब देखो इसके अंदर हम चूज कैसे करते हैं कि हम कहाँ ब्रैकेट लगाएं, तो कोशिश करो कि जिसमें जीरो बनता हो ना, उसमें उन दोनों को कॉमन लेने की। जैसे कि यहाँ पे 7 और 4, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 4 करना पड़ेगा पहले, तो 11 आएगा, यानी कि 1। तो इसको आप एक बार इग्नोर करो। इन दोनों करोगे 4 और 3 7, इनको भी इग्नोर करो, तो 197 और 103। इन्होंने देखो ब्रैकेट ऐसे रखा है ना, तो 7 और 3 10, यानी कि 0 आ रहा है। तो आप कोशिश करो कि ब्रैकेट ऐसे लगे कि कहीं ना कहीं पर 0 बन रहा हो। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देखिए एक बार आप एग्जाम्पल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्या आप इसमें दो तरह से ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, या तो शुरू में ब्रैकेट लगा दो या बाद में ब्रैकेट लगा दो। क्या हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 6 को यहाँ लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 14 प्लस 6 प्लस 17, क्योंकि हमने देखा था कॉम्यूटेटिव तो है ही, ठीक है। ओके इस तरह से हमें काम करना है, हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 इन्होंने कैसे किया है। 12 को 35 से मल्टीप्लाई किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसने क्या किया, 12 को 6 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। लिख सकते हैं 6 2 12, और इसकी जगह वो क्या कर सकता था, इसकी जगह भी तो लिख सकता था 7 इंटू 5। तो दोनों ऑप्शन अपने पास है। अब इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बन जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए इसने ऐसा किया, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 देखो। अब याद रखना कि अगर एक नंबर में लास्ट में 5 है और एक नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप उन दोनों को पहले सॉल्व करोगे। जैसे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब होगा 125 को 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दैट इज मच इजी, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे ना। आगे बढ़े। ओके हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए एक बार। ट्राई करो इसको, सॉल्यूशन सामने आया वैसे भी। अब देखिए मेथड आप चाहे कोई भी लगाओ, आंसर दोनों से सेम आ रहा है। इसने कहा पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों से सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपको ज़्यादा इजी कौन सा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव होता है उसके, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे पहले 12 को किया था 2 इंटू 6, हम इसको भी तो कर सकते थे ना 7 इंटू 5, और इसके उसने क्या लिखा 30 प्लस 5 लिखा, ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं आपको कैसे करना है। जैसे इसका एग्जांपल नंबर 7 जो है, इसके अंदर देखो ये जो चीज़ है, तो बोर्ड मास वाला रूल अगर आपको याद है तो आप उसको क्या करेंगे कि मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई के पास ब्रैकेट लगा लो, जो जो मल्टीप्लाई में टर्म है। याद है ये चीज़ कि ब्रैकेट के पास कौन है, आपको याद है बोर्ड मास का रूल क्या था, BODMAS, ब्रैकेट ओ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई है या प्लस है, अगर आप बोर्ड मास की स्पेलिंग लिखोगे तो,
मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है, 126 कॉमन है, तो हमने 126 को निकाल लिया, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं कुछ एक शॉर्टकट से ही, मान लीजिए इनको, हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे ओके, अब जैसे ही है इसके पास, इन्होंने कहा कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि इसके टुकड़े करके इसको निकालना है। तो मैं 68 को क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, 50 प्लस 18 भी लिख सकता हूँ। तो आसान किस में होगा, 60 प्लस 8 में होगा, हो जाएगी, ओके। आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करें और नंबर में कोई फर्क ना पड़े। मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, मैं आपको कितने रुपए और दूं कि 1000 ही रह जाए, एक भी नहीं, जीरो, ठीक है। तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या होगा, जीरो, कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करें और कोई फर्क ना पड़े, दैट इज जीरो। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें और फर्क ना पड़े, तो जीरो नहीं बोलना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, दिस ओके, ठीक है। तो एडिशन की आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1, याद रहेगा, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, आप इसको चाहें तो अपनी तरफ से माइंड में सोल्व करके देखिए कि क्या हो रहा है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2, आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन है 2.2 पे, तो ये आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। जस्ट ए मिनट, मैं उसको वहाँ पे फिर से रख देता हूँ स्क्रीन पर, ये रहे, ठीक है। आप इनको नोट कीजिए, ट्राई कीजिए अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी हो सकता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है सूटेबल रीअरेंजमेंट, आपको है इसने कहा है कि अच्छे से इनको रीअरेंज करके ऐड करना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने बताया था 7 और 8 तो 15 होगा, 8 और 3 11 होगा, और 7 और 3 10 होगा। तो पहले हम इस नंबर को एंड इस नंबर को ऐड करेंगे, दिस ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम इस काम को करेंगे। आगे क्वेश्चन और देखिए एक बार, ठीक है। इस वीडियो में हम तो ही एक्सरसाइज करते हैं, थैंक यू।